राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में पन्ना जिले के शाहनगर तहसील के सर्व समाज ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नायब तहसीलदार विक्टर रोडिक्स को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान अश्वनी कुमार ने कहा कि इस हत्या से स्तब्ध है तथा इसका विरोध करते हुए स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुखदेव सिंह ने पहले ही हत्या की आशंका जताई थी, परंतु इस पर सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके चलते गोगामेड़ी की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में हथियारों के साथ अपराधियों का इस तरह हत्या करना और खुलेआम घूमना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। राजपूत राष्ट्रीय कारणी सेना के अध्यक्ष थे, उनको जो है 5/12/2023 को जो है हत्यारों द्वारा जो है गोली मार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और हत्या करने के पश्चात जो है वो फरार हो गए हैं और हम चाह रहे हैं कि इनको जो है अतिशीघ्र जो है गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी नहीं बल्कि उनका इनकाउंटर किया जाए। ये जो राजस्थान में हमारे कर्णी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका जो उनकी जो राजनीतिक षड्यंत्र वाली हत्या है, इसके विरुद्ध पूरे देश में जो जनमानस का विरोध है वो बिल्कुल सही है और ऐसे अपराधियों को खुलेआम फांसी दी जानी चाहिए।